ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। शोधकर्ताओं ने पहली बार एक नियांडरथल परिवार की तस्वीर जारी की है। उन्होंने साइबेरिया के 13 नियांडरथल व्यक्तियों की तस्वीर बनाई है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें एक नियांडरथल पिता और उसकी बेटी की भी तस्वीर है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये लोग छोटे समूहों में रहते थे जिसमें 10 से 20 सदस्य हुआ करते थे। नियांडरथल का स्वरूप आधुनिक मानवों से काफी मिलता जुलता है। इनकी हड्डियां सबसे पहले जर्मनी के डेसलडोर्फ पूर्व की नियांडर घाटी में मिली थी, इसीलिए इन्हें नियांडरथल कहा जाता है। मानवों के पूर्वज होमो सेपियंस उनके संपर्क में भी थे और अक्सर उनके बीच इंटरब्रीडिंग यानी कि एक दूसरे के बीच संबंध बनाए जाते थे। नियांडरथल की उत्पत्ति करीब 4 लाख साल पहले हुई थी और वे आज से करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। वो यूरोप और सुदूर पूर्व दक्षिणी साइबेरिया के अल्ताई पर्वत श्रृंखला में फैले हुए थे। नियांडरथल पर ये रिसर्च जिस व्यक्ति ने की है उनका नाम है स्वंते पाबो। पाबो को नियांडरथल के डीएनए पर खोज करने और मानवों के पूर्वजों से जुड़ी कई गुत्थियां सुलझाने के लिए साल 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाबो की अगुवाई में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के शोधकर्ताओं ने नियांडरथल के 13 जीनोम का इस्तेमाल कर उनके पूरे एक समुदाय की तस्वीर पेश की है। वैसे तो नियांडरथल का स्वरूप और उनके इतिहास की एक मोटा माटी जानकारी पहले ही खोजी जा चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब एक नियांडरथल शख्स के पूरे परिवार और उसके घराने की जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने रूस की 2 गुफाओं में मिली छोटी हड्डियों से डीएनए निकालकर उसके आधार पर 13 अलग अलग नियांडरथल के बीच एक रिश्ते की तस्वीर पेश की है। इससे ये भी पता चला है कि वो कैसे रहते थे। इन नए शोध को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नियांडरथल्स का ये समूह रूस के दक्षिणी साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों की तलहटी में लगभग 54,000 साल पहले रहते थे। पिछले 14 सालों से इस स्थान पर नियांडरथल के अवशेषों का उत्खनन हो रहा था। इन गुफाओं को नियांडरथल शिकार शिविरों के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर बाइसन और घोड़े जैसे जानवरों के भी अवशेष मिले हैं। चागिरस्काया गुफा में 80 से अधिक नियांडरथल जीवाश्म मिले हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी मिले इस तरह के जीवाश्म की सर्वाधिक संख्या है। वैज्ञानिकों ने जिस नियांडरथल परिवार का खुलासा करने में सफलता हासिल की है उसमें एक नियांडरथल पिता और उसकी किशोर बेटी शामिल है। साथ ही रिश्तेदारों की एक जोड़ी, एक युवा लड़का और एक वयस्क महिला जो कि संभवतः उसकी चचेरी बहन, चाची या दादी है। इस रिसर्च के एक लेखक लॉरेंट स्कोब ने कहा, कई नियांडरथल के दांतों और हड्डियों से प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने वाला ये हमारा नया अध्ययन पहला है जो लगभग एक ही समय में रहते थे। जीवाश्म 1980 के दशक के मध्य में ओकला डिनिकोव गुफा की पुरातात्विक खुदाई और 2007 से चागिरास्कुआ गुफा में मिले थे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि नियांडरथल में तकनीकी कौशल, संज्ञानात्मक क्षमताएं यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज और प्रतीकात्मक व्यवहार हमारे प्राचीन होमो सेपियंस पूर्वजों के समान प्रभावशाली थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी धीरज ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।